कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश। तृणमूल कांग्रेस सांसद मोहम्मद मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा होगा महाभारत। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट भाजपा आरएसएस के षड्यंत्र को उजागर करती है। एमपी विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में आईसीसी मुख्यालय में आज शाम अहम बैठक, कमलनाथ होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर को बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम का नाम होगा तय। पार्टी हाईकमान ने ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति। एमपी के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा बनाए गए पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम बनाए गए पर्यवेक्षक। राजस्थान में सीएम के लिए राजनाथ समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त। 10 दिसंबर को हो सकती है विधायक दल की बैठक, वसुंधरा सीपी जोशी दिल्ली में। लाल धुआवा ने मिजोरम के सीएम पद के लिए शपथ, 4 साल पहले बनाई ZPM पार्टी, MNF कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अस्पताल में भर्ती, बीती रात एर्रावली स्थित फार्म हाउस में गिरने से कूल्हे में फ्रैक्चर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के अपमान को लेकर सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लेटर पर कहा अजीत को फंसाया गया, बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी बताया। आप सांसद ने संसद में पराली मुद्दे का सॉल्यूशन बताया, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बोले किसानों को 2500 प्रति एकड़ दो या अन्य फसलों की MSP बढ़ाओ। पूर्व अमेरिकी पुलिस को 11 साल से अधिक की जेल, कैपिटल दंगा मामले में रहे शामिल। न्याय विभाग ने कहा कि अब तक 1230 से अधिक लोगों का दंगे से संबंधित अपराधों में नाम शामिल। इराक में अमेरिकी एम्बेसी के पास धमाका, कई रॉकेट से हुआ हमला, किसी संगठन ने अभी तक नहीं ली जिम्मेदारी। किंग्स चार्ल्स की बहू और ऋषि सुनक समेत कई लोगों पर की गई नस्लवादी टिप्पणी। लंदन के 6 पूर्व पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, सभी अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और नस्लवादी स्टेटस किया था शेयर। तालिबान को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में किया जाएगा शामिल, चीन पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में देख रहा मौका। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान लंबे समय से अच्छा पड़ोसी है। 5 साल में विदेश पढ़ने गए 403 भारतीयों की मौत, इनमें से 91 कनाडा में मारे गए, वजह एक्सीडेंट और खराब स्वास्थ्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। क्रिकेटर नीतीश राणा मना रहे अपने शादी का 7वां सालगिरह, सोशल मीडिया पर अपने वाइफ संग शेयर की कई रोमांटिक तस्वीरें। बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में ली 8 रन की लीड। बांग्लादेश ने पहली पारी में बनाए थे 172 रन, 180 पर सिमट गई कीवी टीम। फिल्म फाइटर का टीजर रिलीज, देश के लिए आसमान में वॉर करते दिखे ऋतिक, दीपिका जबरदस्त है एरियल एक्शन सीन। फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर होगी रिलीज। 67 साल की उम्र में जूनियर महमूद का निधन, काफी वक्त से स्टमक कैंसर से जूझ रहे थे। 250 से अधिक फिल्मों में किया था काम।